कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की जगह लोकसभा में किसी और को पार्टी नेता बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन G23 नेताओं के पिछले साल सोनिया गांधी को विस्फोट खत लिखा था, उन्हें इस पद का दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों ने साथ ही कहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी के नेता नहीं होंगे। सदन का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। इस पद के लिए जिन्हें सबसे ज्यादा दावेदार माना जा रहा है, उनमें शशि थरूर और मनीष तिवारी हैं। सूत्रों का कहना है कि गौरव गोगोई, रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तम कुमार रेड्डी के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। थरूर और मनीष तिवारी उस G23 समूह में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में सोनिया गांधी को पहला खत लिखा था। इस पत्र में पार्टी नेतृत्व में बदलाव और व्यापक संगठनात्मक परिवर्तन की मांग की गई थी। इसकी वजह से एक आंतरिक तूफान शुरू हो गया। इसके बाद कई नेताओं को पार्टी में अपने पद खोने पड़े थे। वहीं उनमें सबसे प्रमुख कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद थे, जिन्हें महासचिव के पद से हटा दिया गया था। हालांकि वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हिस्सा बने रहे। मोतीलाल बोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से हटा दिया गया था। वहीं चौधरी को पद से हटाने को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक आदमी एक पद नियम को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।